और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, हमास का इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल से अटैक किया गया है। हमास का कहना है कि इजराइल पर यह हमला निर्दोषों पर हमले का जवाब दिया गया है हमास की ओर से। और देखिए एक और बड़ी खबर है, गाजा में हमलों पर IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स का बड़ा बयान। हमास के खात्मे का काम जारी है, गाजा में हमास का शासन नहीं चलेगा, हमास की पूरी ताकत मिटा के रख देंगे। जहां भी IDF से सामना वहां पर आतंकी मारे गए, कई हमास नेताओं को मार गिराया। I can say and confirm at this time that we have targeted and killed several of their leaders, including terrorists that actually were participated in the butchering of babies in their bedrooms. And we continue to act in order to destroy and demolish Hamas's capabilities, governing and military capabilities. Hamas will not be permitted to govern the Gaza Strip as a staging ground for attacks against Israel and our civilians. On day 10, I can still confirm that there are still concerns of security in southern communities of Israel. Over the last 24 hours, there was 3 engagements in and around the border area with terrorists that attempted to attack Israel, including in Nir Am, Nachal Oz, and near Kisufim. I can confirm that in each of the engagements, every time a terrorist meets an IDF soldier, the terrorist is killed. तो IDF की तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा है कि हमने अब तक कहां तक हमारी कार्रवाई पहुंची है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में IDF का शिकंजा और कस गया है। टैंकों की गश्त लगातार जारी है, गाजा में पानी बिजली सप्लाई ठप कर दी गई है। देखिए जो ग्राउंड असॉल्ट होने वाला है नॉर्थ गाजा में, उसी के लिए ही लोगों को खाली कराया गया, लोगों का पलायन हुआ, लोग नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त गाजा में पानी बिजली सब कुछ ठप है, जो जानकारी मिल रही है सब कुछ ठप है। और गाजा में IDF का ये शिकंजा है जो कि कसा है। तो एक और अपडेट आपको हम दे रहे हैं, गाजा में किस तरह से बिजली पानी ठप है इसकी जानकारी दे रहे हैं। और यह IDF का ऑपरेशन है, उससे पहले की बड़ी कार्रवाई। तो हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए हर तरफ तबाही तबाही है। लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जो सुरंगों को खंगाला जा रहा है, जो ग्राउंड असॉल्ट ऑपरेशन चल रहा है, आयरन स्वर्ड जो ऑपरेशन है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, वो ये कि बिजली पानी इस इलाके में ठप है।